जिहड़े काले कानून है वापस लए जान, जेकर वह नहीं लेंदे ते जिहड़ा संघर्ष है होर भी कठिन हो सकता है। असीं इन्हां नूं पुछणा वी इहदों पहलों तो इन्हां जिहड़ा वा कानूनां दे हक दे विच वोट पाई आ ते वोट पा के अज किहड़े मूंह नाल कहिंदे, पहलों तां अपने आप नूं साफ करदे ने वी वो किसानां दे नाल रहिणा कि सरकार दे नाल रहिणा वा। दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे किसानां नूं 6 महीने का समा हो चलिया, तो 6 महीने का समा पूरा होने तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे वालों कॉल दी गई सी कि किसान अपने पिंडां दे विच जाके रोस प्रदर्शन करन ते अपने घरां दे उत्ते कालियां झंडियां लहराण। सो असीं इस टाइम ते अमृतसर दे पिंड चब्बा च मौजूद हाँ जिथे किसान जथेबंदियों वालों विरोध किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मोदी सरकार का पुतला फूक मुजहरा जिहड़ा है वह किया जा रहा है। तो तुसीं वेख सकदे हो इत्थे वड्डी गिणती विच किसान मजदूर है, किसान संघर्ष मजदूर कमेटी के बैनर हेठ इत्थे प्रदर्शन किया जा रहा है, केंद्र सरकार खिलाफ़ प्रदर्शन किया जा रहा है ते मंग यही की जा रही है कि जेडे खेती सुधार कानून लागू किए गए हैं, किसानों ते जेडे धक्के नाल थोपे गए हैं उन्हां कानूनों नूं रद्द किया जाए, जिस दे चलते 6 महीने हो चले हैं दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठ के प्रदर्शन करदे हां, तां उन्हां वल्लों इत्थे पहुँच के जिहड़ा है एक बार फिर तो प्रोटेस्ट किया गया कि 6 महीने का समा पूरा हो गया। सो साढ़े नाल कुछ किसान आगू कुछ नौजवान पीढ़ी दे मौजूद है, असी गलबात जिहड़ी है करांगे। बेटा की नाम है तुहाडा? अमनीत कौर। केड़ी जगह ते चब्बे ते रहना? हां जी। की कहना चाहोगे, 6 महीने पूरे हो गए किसानों नूं प्रोटेस्ट करदे होया केंद्र सरकार गल नहीं सुन रही? असी तो यही अपील करते हैं कि साड़ी मांग जिहड़ी असी मांग रहे हैं सानू वह मांग मतलब हुण दित्ती जावे, सानू ये जिहड़े काले कानून है वापस लए जान, जेकर वह नहीं लेंदे तो जिहड़ा संघर्ष है होर भी कठिन हो सकता है। संघर्ष होर तेज करन दी गल है, दिल्ली गए जे बॉर्डर ते उत्थे जाके करके आए पट्टा? हाँ जी। तां की लगदा की है कि केंद्र कदों तक मान जाएगी केंद्र दी सरकार के हजे प्रोटेस्ट होर तेज करना पौगा? उम्मीद है कि वह मान जाए, नहीं तो यह प्रोटेस्ट जारी रहेगा, नहीं तो होर भी ये तेज हो सकता है पूरी जेकर वह नहीं करते। जी जी बिल्कुल, तो किसानों के नाल जिहड़े बच्चे भी है वह भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए है, तो मंग यही है बच्चों की भी यही गल है कि जिन्नी चिर तक खेती सुधार कानून जिहड़े है इन्हां ते थोपे गए आ किसानों का हालांकि कहना है कि यह काले कानून है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि यह खेती सुधार कानून है और इन्हां कानूनों नूं जिन्नी देर तक जिहड़े है केंद्र सरकार रद्द नहीं करती किसानों का कहना है उन्नी देर तक प्रदर्शन जिहड़े है इस तरह जारी रहेंगे। अगर दूजे पासे गल करिए वड्डा जाम जिहड़ा है वह भी इत्थे देखण नूं मिल रहा है, क्योंकि रोजाना आन जाण वाले लोग जां बसां जिहड़ियां वह भी इत्थे फसियां होईयां, क्योंकि किसानां वल्लों प्रदर्शन जिहड़ा है वह किया जा रहा है खेती सुधार कानूनां दे खिलाफ़ जिहड़ा है प्रदर्शन है इत्थे किया जा रहा है। तो किसान जथेबंदियां दे होर आगू भी इत्थे मौजूद है, असीं होर आगूआं दे नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे, जानांगे कि उन्हां दा की कहना है, क्योंकि 6 महीने दा समां जिहड़ा है अज्ज वह हो चलिया। तुहानूं दस दईए 26 नवंबर वाले दिन जिहड़े आ किसान जथेबंदियां किसान वड्डी गिणती विच इत्थों दिल्ली कूचली रवाना होए सी, तां अज 26 मई दा दिन है, तां पूरे 6 महीने पूरे होण तों बाद किसानां वल्लों अपने पिंड दे विच प्रदर्शन जिहड़े आ वो किए जा रहे हैं, जिस दे चलते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों इत्थे पहुँच के जड़ा है प्रदर्शन है वो किया गया सी। तो साढ़े नाल गुरबचन सिंह चब्बा जी मौजूद है, गलबात करते हैं। वाहेगुरू जी का खालसा जी, वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जी चब्बा साहब, अज फिर प्रोटेस्ट किया गया, 6 महीने पूरे हो गए, की लगता केंद्र का अड़ियल रवैया कदों तक मनूगा? देखो जी, केंद्र सरकार अड़ियाल रवैये दे नाल जिहड़ी आ बिल्कुल बैठी आ चुप करके सुपी साध के अडानियां बानियां नूं खुश करना चाहुंदी आ, किसानी अंदोलन नूं अणदेखिया कर रही आ, जिहदे रोस वजों अज 26 तरीक नूं साढ़े 6 महीने पूरे हो गए आ ते मोदी सरकार दे वी 7 साल दे कार्यकाल जिहड़ा उहनां दा पूरा हो गया अज, ते उह 7 सालां 'च कुछ भी किसानां मजदूरां देश दे नागरिकां वास्ते नहीं कर सकी। असीं काले कानूनां दे खिलाफ़ लड़ रहे हां दिल्ली दे बार्डरां ते लगातार, ते सरकार जिहड़ी उह काले कानून रद्द नहीं करना चाहुंदी। असीं अज रोस जो अपने घरां ते दुकानां मकानां ते अपने वहीकलां ते जिहड़े आ काले झंडे लाके पिंडां 'च मार्च करके ते मोदी सरकार दे जिहड़े आ पुतले फूके आ, जे असीं चब्बे चौंक 'च फूकिया पुतला होर भी जिहड़ा वा
तो पूरे पंजाब हज़ार पिंड जे पुतले अज फू के साडे रोज प्रोटेस्ट करके जे मांग करांगे भी मोदी सरकार जे काले कानून जे तुरंत जे रद्द किए जाए। संयुक्त किसान मोर्चे वालों कॉल से 26 मई को काले झंडे लहराने की, लेकिन साबका मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू वालों 25 मई ने ही पटियाले ते अमृतसर घर के बाहर झंडा लहराया, किस तरह देखते उन्होंने इस स्टंट को, की लगता राजनीति खेड रहे कि वाकई किसानों के नाल है? बिल्कुल जी, सियासी पार्टियां कदे भी किसानों के नाल नहीं हो सकदियां, राजनीति की जिहड़ियां खेड खेड रही, क्योंकि गाड़ी 2022 दी चोणां आ रही ने, असी इन्हां नूं पुछणा वी इहदों पहलों तो इन्हां जिहड़ा वी कानूनां दे हक दे विच वोट पाई आ, तो वोट पा के अज्ज किहड़े मूंह नाल कहिंदे, पहलों तो अपने आप नूं साफ कर देणे वी वो किसानों के नाल रहिणा कि सरकार दे नाल रहिणा वा, इह नीतियां उहनां दीआं लागू करनियां कि साडे हक दे विच जिहड़ा ना खड़ना वा, इह अजे साफ नहीं कर सके। गाड़ी 2022 दीआं चोणां वेख के लोकां दा रोस जिहड़ा वा सतवें आसमान ते चढ़दा दिखाई दे रिहा वा, इस करके इह डरदे जिहड़े इहो जिहे जिहड़े आ काले झंडे झंडे लहरा के किसान हतैशी दिखाउण दा जिहड़ा टोंगरा च रहे। तो हुण इस तरह प्रदर्शन अगों चलते रहेंगे जिन्नी देर तक रद्द नहीं होंगे ये कानून? बिल्कुल, साडा धरना प्रदर्शन दिल्ली बार्डर से भी चल रहा, लगातार चलेगा, अगे नूं वध रहा वा, होर तेज़ हो रहा, तो जब तक काले कानून वापस नहीं दे तद तक साडा धरना प्रदर्शन जिहड़ा एवें चलता रहेगा। लोगों का कहना कि हुण किसानां दी गिनती घटती जा रही, किस तरह देखते लोगों के इस मैसेज नूं? बिल्कुल, साडी गिनती जिहड़ी आ नहीं घटती, असीं अपनी वारी दे नाल जिहड़ा वा टारगेट पूरा करते हैं, भी जिलेवाइज ड्यूटी लगी आ, भी अज्ज इस जिले ने जाना, उन्हें 20 दिन ला के वापस मोड़ना वा, पर ये वास्ते अंदोलन तार पीड़ो करने वास्ते, अंदोलन फेल करने वास्ते केंद्र की मोदी सरकार का जिहड़ा गोदी मीडिया वा, वो जदों साडे किसान वापसी आउंदे वो आउंदिआं नूं विखाउंदा पर जांदिआं नूं नहीं विखाउंदा, वो इहो जे जिहड़ियां अफवाहां फैलाउंदे वी किसान जिहड़े बार्डरां तों वापस जा रहे आ, असीं कहिंदे अज्ज वी जा के वेख लो साडे हज़ारां किसान जिहड़े लखां किसान सारे बार्डरां दे उत्ते जिहड़े आ वो बैठे आ, ये प्रोटेस्ट जिहड़ा लगातार साडा जारी रहेगा, कदे वी जिहड़ा वा समाप्त नहीं होगा। चंबा जी, लास्ट सवाल है, नगर निगम कारपोरेशन वल्लों उत्थों कूड़ा करकट नहीं चुकिआ जा रिहा, क्योंकि पिछले दिन मीँह बहुत ज़्यादा पिआ सी, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਪਈ, ਮੱਛਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਭ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਲਾਇਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। सो ये गुरबचन सिंह चब्बा जिन्हों वालों की प्रदर्शन जड़ा इतने किया जा रहा है, तो लगातार ही थानू दस दी है कि चब्बे मौजूद आ, 6 महीने पूरे हो गए हैं जिसके चलते प्रदर्शन अज इतने किया गया, केंद्र सरकार का पुतला फूक के अर्थी फूक मुजहरा जड़ा इतने किया गया, तो उन्हों का यही कहना कि जिनी देर तक खेती सुधार कानून रद्द नहीं होंगे उन्नी देर तक प्रदर्शन इस तरह चलते रहेंगे। नाल ही उन्होंने कहा कि जो दिल्ली विखे कूड़ा करकट नहीं जिहड़ा प्रशासन वालों चुकया जा रहा, वह प्रशासन की नलायकी जिहड़ी है वह सामने आ रही है, जिथों की बीमारियां पैदा होने का भी काफ़ी खतरा उत्थे बनया होया है, लेकिन किसानों का कहना कि हौसले साडे बुलंद है, उन्नी देर तक असी दिल्ली बॉर्डर तो उठन वाले नहीं जिनी देर तक साडे कानून जिहड़े है वह जिहड़े साडे ते थोपे गए है वह रद्द नहीं होंगे, उन्नी देर तक किसान दिल्ली दीआं बरूहां तो उठन वाले नहीं। कैमरामैन प्रदीप दे नाल मुकेश मेहरा, सुरखाब टीवी, अमृतसर, पिंड चब्बा।